आने वाली 5 तारीख को नाना पटोले का जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में मोहम्मद वसीम द्वारा आयोजित एक शाम नाना बहु पटोले जी के नाम इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभ अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष श्री नाना बहु पटोले जी को पुष्प गुच्छ और मिठाई देकर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी गयी। नाना बहु पटोले की जन्मदिवस के अवसर पर उनके सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन उत्तर नागपुर के बैरिस्टर राजाभाउ खोबरागड़े हॉल में किया गया। नानाभाऊ एक नेता ही नहीं बल्कि हसमुख, मिलनसार और मृदुलभाषी इंसान है। वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही है और हर कांग्रेसी के लिए एक मार्गदर्शक भूमिका आज निभा रहे हैं। आने वाली 5 तारीख को नाना पटोले का जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य में कल शाम एक शाम श्री नानाभाऊ पटोले जी के नाम इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में नानाभाऊ पटोले ने शिरकत की। यहाँ उन्हें पुष्पगुच्छा और मिठाई देकर बधाइयाँ दी गई, जबकि जन्मदिन से 2 दिन पहले ही केक काटकर उनका जन्मदिवस मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता, हितैषी बड़ी संख्या में सहभागी हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस नेता मोहम्मद वसीम जी की ओर से किया गया। हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने जो संदेश देश के लिए दिया था, भारत जोड़ो, और भारत जोड़ो का जो संदेश था, क्योंकि जो देश में जो नरेंद्र मोदी जी के रूप में जो बीजेपी की सरकार है, वो सरकार ने देश की धर्मवाद के ऊपर लोगों को तोड़ने का काम शुरू किया था। देश बर्बाद करना, देश बेचना, देश की संवैधानिक व्यवस्था खत्म करने का काम शुरू किया था। और जैसे ही सोनिया जी ने देश जोड़ो का आदेश दिया और पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता उस तरह काम को लगे, और मैं आज मोहन भागवत जी ने भी कल हमारे नेता सोनिया जी गांधी इनके वक्तव्य को समर्थन किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजेश जंगिटवार के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट।